कश्मीर में सबसे ज्यादा टिकटॉक इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही आज ट्रेंडिंग चल रहा है, तो सोचा मैंने भी कि मैं भी एक इस पे इंसाइट दे दूं, अपनी जितने भी डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं इसके लिए। आई थिंक इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। आई बी डिस्कसिंग अबाउट द टिकटॉक एंड द यूट्यूब। यूट्यूब को छोड़िए, अभी हम बात करेंगे सिर्फ टिकटॉक के बारे में, उसके बाद देखते हैं यूट्यूब के बारे में, जो भी बचेगा वो कर देंगे। कई साल पहले हमने देखा है कि एक म्यूजिकली नाम से ऐप आया था, पहले तो मैड लिब्स आया था, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आई थी जिन पे ज़्यादातर फनी वीडियोज़ बनाया जाता था, तो उसी के साथ साथ फिर बाद में म्यूजिकली ऐप आया था। तो म्यूजिकली को बाद में इन्होंने एडवांस करके मर्ज करके एक नया ऐप बनाया जिसको टिकटॉक के नाम से हम जानते हैं। टिकटॉक पे इंडिया में 119 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिनमें से 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो हर दिन वीडियोस अपलोड करते हैं। और जो आंकड़े में मैंने अभी डाटा कलेक्ट करके लाया वो मैं बस आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। टोटल इसमें टिकटॉक में 800 मिलियन लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 119 मिलियन जो यूज़र्स हैं मतलब डाउनलोड्स हैं वो इंडिया से हैं, और उनमें से 20 मिलियन लोग पर डे वीडियोस अपलोड करते हैं, और उनकी एंगेजमेंट 90% मतलब लोग दिन में 90% लोग एक्टिव होते हैं, 90% मतलब 20 मिलियन जितने भी लोग हैं वो 90% जो है इस पे एक्टिव होते हैं। मतलब दिन में कम से कम लिखा हुआ था कि अराउंड 8 to 10 to 12 टाइम्स वो देखते हैं। इसमें 56% जो है वो मेल्स की पॉपुलेशन है, 44% फीमेल्स की पॉपुलेशन है। और जब इसका एडिक्शन के बारे में लोगों ने जानना स्टार्ट किया कि बिल्कुल एडिक्टेड हो रहे हैं लोग, तो इन्होंने इसके साथ ही एक और एक फीचर इसमें डाला था जो कि डियो इन के नाम से कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा फीचर था जिसमें 90 मिनट्स के बाद आपको एक अलार्म मिलता है, जिस तरह यूट्यूब में 1 आवर के बाद आपको अलार्म मिलता है, आपको स्टॉप कर दिया जाता है, तो बाद में आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर आपको टाइम का पता चलता है कि 1.5 घंटा हो गया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन दैट वॉज टेकन डाउन, वो भी इन्होंने फीचर हटा दिया। इसके अलावा एक और शर्फ हमें हासिल हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहला जो केस सुसाइड केस ड्यू टू टिकटॉकिंग की वजह से हुआ था, टिकटॉक बनाने की वजह से, टिकटॉक वीडियो की वजह से हुआ था, वो भी इंडिया में ही हुआ था, वो हुआ था नवंबर में 2018 में, तो ये ताज भी इसी मुल्क के नाम। तो फ्रेंड्स, 3 कंट्रीज़ ने इसको बहुत ही बैन किया स्टार्टिंग से ही, मतलब लाइक पहले तो इंडिया ने बैन किया और US ने भी कुछ टाइम के लिए बैन किया था और इंडोनेशिया ने भी बैन किया था, तो इंडिया में बहुत बैन चला, कभी बंद हुआ कभी खुला, कभी बंद हुआ कभी खुला। 2018 में फेब में ये बंद हुआ था, फिर से खोल दिया गया, फिर से बंद किया गया, फिर से खोल दिया गया, तो अभी रिसेंटली जब इसको बंद किया गया था तमिलनाडु की कोर्ट में इसका केस चला था कि इसके रिलेटेड कोई केस चला था, तो उसमें इन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन रिलेटेड वीडियोज़ या CA NRC के रिलेटेड जितने भी मतलब वीडियोज़ हैं उनको रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ थे उनको हटाने के लिए बोला था, तो लेटर ऑन मतलब टिकटॉक इन्होंने बंद कर दिया। तो कंपनी इतनी ज़बरदस्त है कि अपना प्रॉफिट इनको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने 6 मिलियन वीडियोज़ जो रिलेटेड टू रिलीजन हेट्रेड वगैरह और CA NRC के रिलेटेड जितने भी कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ थी उनको हटा दिया, और उसके बाद फिर से 26 अप्रैल को इसको फिर से स्टार्ट किया गया तमिलनाडु, चेन्नई और इस बेल्ट में जितनी भी स्टेट्स आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अच्छा मतलब बहुत टाइम पहले अकाउंट बनाया था, अकाउंट तो मैं हर जगह बनाता हूँ, बट देर हैज बिन अ गुड क्रिटिसाइज फ्रॉम द पीपल, मतलब बड़े बड़े लोगों की वजह से। रेडिट के CEO ने बताया कि आई फील इट्स लाइक ए स्पाईवेयर और स्पाई एप्लीकेशन विच इज़ लिसनिंग टू द पीपल एवरी टाइम, कि मतलब साइड में फ़ोन पड़ा हुआ है एंड इट इज़ लिसनिंग, इट इज़ कलेक्टिंग द डेटा, एंड अनदर थिंग इज़ द फिंगरप्रिंटिंग, जो इसमें फिंगरप्रिंटिंग मतलब जो हम रखते हैं दे विल गेट द डेटा ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग, की मतलब दुनिया में कौन कैसा लोग है और नाम वो सब जो भी इंफॉर्मेशन है फिंगरप्रिंटिंग से सब कुछ पता चल जाएगा इंसान के बारे में। तो मतलब इस तरह की मतलब डिफरेंट क्रिटिक्स भी आए थे इसके लिए। तो ये तो था टिकटॉक के ओवरऑल मतलब कितना बड़ा एम्पायर है ये, तो मैं अब इसके बारे अंदर जाके बारे में ऐप के बारे में बात करूँगा कि इसमें बस
वही छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें म्यूजिक बैकग्राउंड में होता है या फिर वॉइस ओवर होता है या कोई इंस्पिरेशनल कोट होता है या कुछ भी होता है। इसी तरह के बहुत सारे ऐप्स भी आए हैं लाइक की वगैरह वगैरह, और इसमें कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में इसको लॉकडाउन किया जाता था क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से इसमें वीडियोज़ आते थे, मतलब अच्छे अच्छे वीडियोज़ नहीं आते थे, बट अब ऐसा है कि मतलब बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ भी आती हैं। तो मैंने अभी यूज़ तो नहीं किया, मतलब मेरा है टिकटॉक मगर मेरा अभी उसमें कोई वीडियो नहीं है, बस एक वीडियो है शायद, बट अभी मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है वो, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी हो गया तो यूट्यूब पे ही अभी हैं। तो टिकटॉक का क्या है कि मतलब उसमें बस छोटा सा वीडियो बनाना है, देन यू हैव टू अपलोड इट। मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ बनाई थी जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, मतलब यूज़ नहीं कर रहा। लोग इसे बहुत ही नीच नज़र से देख रहे थे, पर अब बहुत अच्छा बन रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी लोग आ रहे हैं। एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा टिकटॉक इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आए दिन इंटरनेट बैन होता है। यहाँ मतलब कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होती है या कुछ भी व्हाटएवर जो भी होता है, जो भी आप न्यूज़ में सुनते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट बैन होता है। तो आज 6 मई है, आज भी इंटरनेट बैन हो गया, तो जिसकी वजह से लोगों को शायद टिकटॉक ईजी यूज़ लगता है क्योंकि कहीं पे भी बैठ जाओ, कहीं पे नेटवर्क आ जाए तो बस टिकटॉक की वीडियो बना लो। यूट्यूब के लिए क्योंकि बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, अपलोड करने के लिए डेटा चाहिए होता है और उसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो मे भी इसलिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे टिकटॉक का नाम मैंने यहाँ पे ही ज़्यादा सुना कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स पे यूज़ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे खासे मतलब ये फॉलोअर्स भी हैं टिकटॉक पे, मतलब जो कश्मीरी हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, बहुत ही फनी एंटरटेनिंग वीडियोस है, कोई सीरियस वो नहीं है, तो नथिंग इज़ लाइक कोई मतलब लंबा चौड़ा रैंट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मतलब जिस तरह वाइन के बारे में, मतलब जब मैं कॉलेज में था तो वाइन मेरे कुछ स्वीट मेट्स देखते थे वाइन, तो मुझे लग रहा था यार मैं ही पीछे रह गया हूँ कि मतलब वाइंस तो चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ये है कि उसमें अनवर जवाबी, किंग बैच और वो सारे लोग जो फनी वीडियोस बनाते थे, तो बाद में मतलब वो बंद हो गया, वाइंस तो बंद हो गया, बट दे शिफ्टेड, उन्होंने फिर मूव ऑन किया टू द यूट्यूब। उसी तरह सून इफ टिकटॉक भी बंद हो गया ड्यू टू सम कॉन्ट्रोवर्सी या कुछ भी हो गया, तो जिस तरह यूट्यूब ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ही कन्फाइंड रखा है, बहुत ही टाइट रखा हुआ है कि मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो YouTube उस वीडियो को हटा ही देता है, कुछ भी नहीं, ना वार्निंग ना कुछ, सीधे हटा दो बस वीडियो। तो इसी के साथ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब TikTok के लोग भी उस पे आएंगे और उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होगी, तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, दैट इज़ ओके फाइन। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड मतलब TikTok। यूट्यूब पे आपको लंबी चौड़ी वीडियो बनानी पड़ती है, आप पूरी खुद को एक्सप्रेस करते हो, मगर टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने कुछ के प्रोफाइल्स भी देखे, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ चित्र, मगर इतने फॉलोवर हैं, मतलब बिल्कुल तूफानी फॉलोवर हैं, मिलियंस में हैं, 35 मिलियन के हैं। देर इज सम गाय रियाज LI करके, इंडिया का सबसे बड़ा टिकटॉकर विकीपीडिया में दिखा रहा है, ही हैज़ ओवर 35 मिलियन फॉलोअर्स, तो माई गॉड। और इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, और जिस तरह मतलब यूट्यूब पे अगर आप आओगे तो लंबी वीडियोस। और हाँ, मुझे लगता है कि ये जो टिकटॉकर्स अभी टिकटॉक पे हैं, अगर ये यूट्यूब पे आएंगे, दे विल स्ट्रेट फॉरवर्डली वो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब वही अपना घर का वो सब ये सब दिखाएंगे, क्योंकि नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल उनको फॉलो करते हैं, पीपल उनकी ज़िंदगी को देखना चाहेंगे, तो इसीलिए व्लॉगिंग करेंगे, कोई टेक वैक तो नहीं करेंगे, बस व्लॉगिंग करेंगे, मज़े करेंगे और क्या, और अच्छा खासा उनका चलेगा अपने काम। अब YouTube के बारे में क्या बताऊँ, YouTube के बारे में सब कुछ आपको पता ही है। तो ये वीडियो था TikTok के बारे में, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।